बिलमामूल दिल की गहराइयों से आप सब हजरात की तशरीफ फरामी पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पड़ाव की रौनक को कायम रखा है और बहावलपुर में अदब के फरोग़ के लिए कदम ब कदम आप हमारा साथ दे रहे हैं। सितंबर हमारे नज़दीक दो एतबार से बहुत अहम है। एक तो 11 सितंबर बानी पाकिस्तान आयत आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम वफ़ात है और 8 सितंबर वो तारीख साज दिन है जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जव्वाद हुसैन ख्वाजा ने उर्दू को कौमी ज़ुबान बनाने के तौर पर और कौमी ज़ुबान के तौर पर राइज करने के लिए अपना फैसला साबित किया। उर्दू और कायद आज़म हमारी तारीख की दो बड़ी बुनियादी हकीकतें। कौन नहीं जानता कि कायद आज़म बर सग़ीर हिंद पाक की वो शख्सियत हैं जिन्होंने तारीख ही नहीं बदली जुग्राफिया बदला। वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 20वीं सदी का सबसे बड़ा सियासी मौजज़ा ज़हूर पज़ीर किया। ये वो अजीम रहनुमा है जिन्होंने एक सोई हुई पसमांदा वामादा कौम को बेदार करके एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनाया और तारीख में एक नई जंग लड़ी और अकलियत से अक्सरियत को शिकस्त दी। कायदे आज़म बुनियादी तौर पर अंग्रेजी के आदमी, उनका उठना बैठना बोलना तमाम अंग्रेजी का मजबूर होना और वो उस जबान में कमाल रखते थे। लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उर्दू ही अवामी ज़ुबान है, उर्दू ही मुसलमानों का बड़ा असासा है, उर्दू ही पूरे पर्रे सदीर में राब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया। चुनांचे न सिर्फ उन्होंने उर्दू को अपनाया बल्कि उर्दू सीखने के लिए बेपनाह कोशिश। और आपको याद होगा कि आखिर में उनकी यादगार तकरीरें उर्दू में, उन्होंने महसूस किया कि तहरीक पाकिस्तान को मकबूल करने की सबसे मजबूत बुनियाद और सबसे बड़ा जरिया उर्दू है। उर्दू ही थी
जिसने पाकिस्तान के नारे को